चैप्टर 4 पे हम पढ़ने वाले हैं, साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, ठीक ना। तो फ्रैक्शन वही रहते हैं, जैसे पी अपॉन क्यू लिखा है तो ये होता है भिन्न होते हैं, ठीक ना, साइलेंट है ना। ठीक है, 3/2 ये सिंपल फ्रैक्शन है, लेकिन 2/1/2 जो लिखा है ये मिस भिन्न है, ठीक ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे इनको। तो इनसे रिलेटेड दोनों से पढ़ेंगे और डेसिमल फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। जैसे 0.2 लिखा है तो इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 2/10, क्योंकि एक अंकवाद दशमलव है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे लिखा है 0.004 लिखा है तो इसको हम भिन्न बदलेंगे तो कन्वर्ट करेंगे तो 4/1/2/3 ये आ गया, 30 लगा देंगे। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बोल दिया कि साधारण भिन्न बदलिए पूरा, तो ये हुआ, और इनको हम क्या करेंगे तब तक डिवाइड करेंगे जब तक फिर ये डिवाइड ना हो, ठीक ना, सेम नंबर से। तो 2/5 आया, अभी और कट रहा ना, तो 1/2/5 आगे, समझ में, तो ये हो गया। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा इसमें। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इसमें भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे हम, घटाना पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे। तो पहले बेसिक गुणा देख लो, ठीक है ना, फ्रैक्शन का, जैसे 1/2 लिखा है, 3/2 लिखा है, तो इनका हम इंटू करेंगे तो अंश से अंश का गुणा और हर से हर का, तो 3 × 1 = 3 और 2 × 2 = 4 हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं का फ्रैक्शन पढ़ना हो तो 3/7, भिन्नों का भाग पढ़ना है और 4/5 लिखा, तो फिर क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को लिख लेंगे और सेकंड को तुरंत ही रेसिप्रोकल करेंगे, यानी पलटा देंगे, तो 5/4 हो गया। अब फिर से वही न्यूमरेटर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर के इंटू, तो 5 × 3 = 15, 7 × 4 = 28 आगे, समझ में। फिर इसी का ये हुए गुणा भाग, अब जोड़। तो जैसे 1/2 + 3/2 लिखा, अब इनका ऐड करना है तो ऐड कर दो। तो 2-3 मेथड है शॉर्टकट में, इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू करिए, यानी अंश के लिए 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और नीचे हर के लिए सीधा इंटू, तो 2 × 2 = 4, 6 × 2 = 8/4 कट गया, कटे तो काटिए फिर, ठीक ना। यही क्वेश्चन अगर मान लो आता है सब्ट्रैक्शन करने के लिए, यानी घटाने के लिए आ जाए, तो भी घटाने के लिए भी वही करेंगे हम, लिख लिए कोई नंबर लिख लिया 1/4 - 1/2 ले लिए, इनका सब्ट्रैक्शन करना है तो फिर वही प्रोसीजर, इसको इसमें इंटू तो 2 × 2, इसका इसमें इंटू तो 2, 4 × 4 अपॉन, जब अपॉन करेंगे तो सामने से सामने का इंटू करेंगे, तो 4 × 2 = 8, सब्ट्रैक्ट किए तो -2/8, डिवाइड कर दो तो -1/4, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक इतना ही है, ठीक ना। कन्वर्जन आना चाहिए, पॉइंट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, फ्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। जैसे 0.14 लिखा है, इसको बोला है कि भिन्न में बदलिए, तो 14/2 तुरंत 1, 2 अंक बाद दशमलव, तो 1 लिख के 00 लगाना है, और इनको सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना, ये हुआ भिन्न में कन्वर्जन इसका, आगे समझ में। तो ये सारी चीज़ें आना चाहिए। तो जैसे लिखा है 0.1356 लिख दिया, और इसको बोला कि भिन्न में बदलिए, तो फिर से वही प्रोसीजर, पहले लिखेंगे 1356 लिखे हैं, डिवाइड पे 1, 2, 3, 4 अंक बाद दशमलव, तो 1 लिख के 4 × 2 = 0 लगाइए, अगर समझ में। फिर इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बोल दिया कि इसमें बोल दिया 1/2 को भिन्न बदलिए, वो दशमलव में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, 1 में 2 का डिवाइड, जो ऊपर होगा उसी में हम नीचे का डिवाइड करेंगे, तो 0 आए, 1 पॉइंट लगाए तो 2 × 5 = 10, 0.5। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बोल दिया 3/4 को भिन्न बदलिए, तो 3 में ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को भाग करेंगे, तो 0, 30 हुआ तो 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, ठीक है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुए क्लियर, हम चलते हैं डायरेक्ट कहाँ पे, क्वेश्चन पे, ठीक है, आगे समझ में। तो देखिए पहला क्वेश्चन, वही शुरुआत वहीं से हो गई, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रैक्शन, ठीक ना। तो दोनों में अंतर करना है, तो हम थोड़ी शॉर्टकट मेथड आपको बताते हैं। जब अंतर ज्ञात करना, तो ऐसे क्वेश्चन लिखे हो ना, तो 6 3/4 लिखा है, अंतर मतलब घटाना, तो 3 2/3, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले घटा दीजिए, तो 6 × 3 = 3 आ गया, ठीक है। और फिर लिखिए 3/4 और -2/3, और इनका उसी प्रकार घटाना, जैसे पढ़ा है ना उसी प्रकार कर दिए, 3 × 9 = 4 × 2 = 8, ठीक है, 3 × 4 = 12, कितना हुआ, 1/12 आए, 1/12, और हमारे पास क्या एक्स्ट्रा आया था, 3 आया था ना घटाने पे, तो ये आ गया 3 × 1/12, इसका करेक्ट आंसर, आगे समझ में। शॉर्टकट कैसे, 6 में 3 को घटाए तो 3 आया, इसके बाद बचा क्या, 3/4 बचा, 3/4 और -2/3, तो गुणा किए, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8 माइनस साइन, और 4 × 3 = 12, 9 × 1 = 1/12, और ये जो एक्स्ट्रा बचा था ये आया, ठीक है। बेसिक लॉन्ग
जब लॉन्ग मेथड का यूज करेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इनको पहले हम सरल भिन्न में बदलेंगे, ठीक ना। तो छः सही 3/4 माइनस 3 सही 2/3, दोनों मेथड सिखा देते हैं, ठीक ना। 6 चौको 24, 3 27/4, ठीक है। कहने का मतलब इसका इसमें गुणा होगा और जितना आएगा इससे ऐड करेंगे। सिमिलरली सेम टू सेम वही करेंगे यहाँ पे सेम, ठीक है। 3 × 9 = 2 = 11 और 11/3, आया समझ में, ठीक है। नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है। तो हम पहले वही करेंगे, इसको हम सरल भिन्न बदलेंगे। तो 4 × 3 = 12 और 1 = 13 और 13/ क्या हुआ 4। फिर इसके बाद 5 × 2 = 10 = 12 और 12/ क्या हुआ 5, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू, गुणनफल का मतलब इंटू, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो काट दीजिए 4 तय, ठीक है। अब 12 × 13 = 39, 39/5 करेंगे, ठीक है। अब हम कर देते हैं 39/5 का भाग कर देते हैं, तो 5 × 5 = 35, ठीक है। 35 × 4 = 4, ठीक है। तो ये 7 बार गया, तो हम लिखेंगे 7 सही 4/5, ठीक है। जितने टाइम जाएगा उसको हम पहले लिख लेंगे और जितना रिमाइंडर रहेगा ऊपर रहेगा, तो 7 सही 4/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आगे समझे पूरा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखना है। ये देखो फिर से वही वाला है, ऐड करना है ना। तो हम क्या करते हैं, दो ये शुरू के नंबरों को ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। तो 3, 1, 4, 1, 5, ठीक है, प्लस कर दीजिए। इसके बाद जो भी नंबर बचे हैं, तो 2/5 + 3/7 + 6/35, ठीक है। अब हम एक साथ इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सभी का एलसीएम, हर का एलसीएम, तो 35 आ जाएगा, ठीक है। आप करके ऐसे चेक कर लेना, 35 ही आएगा, डन है, क्योंकि जब सभी नंबर कट रहे हैं बड़ी वाली, ठीक है। तो 5 से भाग करिए, अब हर का हर में भाग करेंगे, तो 5 × 7 = 35, 7 आया ना, तो 7 × 2 = 7 × 14, फिर 7 × 5 = 35, इसमें भी 5, 7 × 5 = 35, 5 आया, 5 × 3 = 15, फिर 35 × 35 का भाग हुआ 1 आया, 1 × 6 = 6, अब इनका ऐड करिए, तो 15 + 14 + 6 अब बटे क्या 35 है ना, ये आपका रिमाइंडर 5 बचा रहेगा, ठीक है। ये बाद में रखे रहना, ठीक है। इसको जोड़िए, तो 14 × 6 = 20, 10 × 3 = 5 = 35, 5 + 35 = 135 हुआ, और कट गया तो 1 आया, तो 5 + 1 = क्या होगा 6, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 6। आगे समझ में, पूरा समझ में आ गया, ये पहली मेथड। दूसरी मेथड के लिए क्या करते, आप इनको आपस में सरल भिन्न बदलते, तो 5 × 15 = 2 = 17 आएगा, और 17/ क्या होगा 5। फिर इसमें करेंगे 7 × 7 = 3 = 10, 10/ क्या आएगा 7, प्लस 35 × 35 = 41, 41/ क्या आएगा 35, आए समझ में। इसके बाद फिर से वही, हम सभी कैल्शियम लेंगे तो 35 आएगा, ये 5 × 7 = 35, 5 का हम भाग करेंगे 7 × 7 = 17, 119, 7 × 35 = 50, फिर 35 × 35 = 41। अब इनको सभी को ऐड करिए, कितना आएगा, जब आप इनको ऐड करेंगे तो 9 × 1 = 10 आ गया, ठीक है। 5 × 4 = 9, 9 × 1 = 10, 5 × 4 = 9 = 10, 10 × 11 = 1 आ गया, ठीक है। और 1 × 1 = 2 हो गया, 210 हुआ, 35, अब 35 × 6 = 210 होता है, ठीक है। अब इसको काटने के लिए कैसे, तो 7 × 3 = 21, 7 × 35 आया, 7 × 3 = 7 × 35, अब 5 × 35 = 5 × 30, तो बात वही हो गई। तो आपको दोनों मेथड देख लेना, जो भी आपको सही लगे, सुगम लगे, वही करिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर पे पहले हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 हुआ और ये 1/7 हुआ, आगे समझ में, प्लस 3/4 और प्लस कर देंगे हम 2/3, 3 × 9 प्लस 4 × 2 = 8 प्लस 4 × 3 = 12, तो 9 × 8 = 17/12 हुआ, ठीक है। और ये प्लस 7 था, तो 7 + 17/12 हुआ। अब इसको हम करते हैं, 12 × 7 कितना हुआ, 12 × 7 = 84 माइनस प्लस 17/12 जोड़िए, तो 7 × 4 = 11 और 8 × 9 = 10 है ना, 12/2 इतना हुआ, किसका, ये अंदर के फ्रैक्शन का हुआ है ना। अब बाहर बचा है 14 − 101/12 लेंगे, समझे। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तुरंत, इससे इसका इंटू करिए, ठीक है। तो 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = 6, ये आया −101, 12 × 14 कर लेना है ना, 12/2 घटाइए, तो 8 × 1 = 7, 6 = 67/12, तो 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 5 बार गया, तो 60 × 67 में घटा तो 7/12, 7 बचा, तो 5 × 7/12 आएगा इसका आंसर,
ये देखिए 5 से 7/12 करेक्ट आंसर समझ में आ गया। चलिए अगला, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे ठीक है। कोई डाउट है? नहीं। ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा क्या है, 3 सही 2/3 - 3 सही 1/6। तो इसको हम सिंपल सा बना लेते हैं, 3 * 9 = 11/3 आएगा, माइनस 6 * 3 = 18 = 19/6 आ गया समझ में, और प्लस 7/9 ठीक है। आप चाहें तो एक साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ डायरेक्ट एलसीएम 3 * 6 = 9 का कितना आ जाएगा ठीक है, 3 * 1 = 2 और 9 ठीक है। तो 3 3 * 3 है ना, फिर 2 और 1 = 2 तो 3 * 9 = 18 ठीक है। 3 से 18 कटाई के बाद तो 6 आएगा ना, और 6 × 11 तो 11 * 6 = 66, 6 से 18 कटा 3 आया और 9 * 3 = 57 आ गया समझ में। फिर 9 से फिर से 18 कटेगा तो 2 आएगा और जितना आएगा ऊपर इनटू, तो 7 * 2 = 14 आया समझ में। अब बचा आपका 66 + 14 - 57/18 तो इसको ऐड करिए आप, तो 66 + 14 कितना होगा, 6 * 4 = 10 और 6 * 1 = 7 और 1 = 8 है ना, -57/18 घटाइए इसको तो 7 * 3 आया और ये कितना हुआ 6, तो 2 हुआ ना, 23/18 6 * 5 ये 5 है, हाँ 5 है, 7 * 3 = 10 हुआ और ये कितना हुआ 6, तो 2 आएगा, 7 * 3 = 6 तो 23/18 तो 18 * 1 = 18 जाएगा, ये 23/18 आ गया ना। तो हम क्या कर देंगे, 23 में हम 18 का भाग करेंगे ठीक है, तो 18 * 1 = 18 है ना, और ये 5 शेषफल बचेगा तो 1 सही 5/18 आएगा करेक्ट आंसर, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 तो इसमें क्या पहले 5/6 लिखना है ना, फिर इसके बाद 2/9 डिवाइड को कर देना है इनटू, और संख्या पलट जाएगी तो 9/4 हो जाएगा, 9/4 फिर से इस डिवाइड का हुआ इनटू, तो 7/6 संख्या पलट गई, फिर जो भी नंबर कटे तो काटिए, 9 से 9 कट गया, 2 से 4 कटा तो 2 आया, फिर अब बाकी नंबर नहीं कट रहे हैं तो ऊपर के नंबर के इनटू, तो 5 * 35 / 6 * 12 = 72 ठीक है। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 35 / 72 ठीक है, भाग तो जाना नहीं है ठीक है, ये 0 आ गया, 35 आया, दशमलव लगाइए तो दशमलव लगाते हैं 0 बढ़ जाएगा ठीक है। अब इसको 7 का टेबल पढ़िए, 35 से जाना, 7 * 4 = 28 और 7 * 9 = 35 तो 5 * 2 = 10 5 * 7 = 35 36 हो जाएगा, तो हम 4 बार जा रहे हैं ठीक है, 4 * 2 = 8 4 * 7 = 28 ठीक है, 2 आ गया और ये 9 6 आ गया, कट गया पॉइंट लगा है तो 0 हो गया। अब 7 का टेबल पढ़िए, 62 से ज़्यादा ना हो तो 7 * 8 = 56 और 7 * 9 = 63 हो जाएगा, तो 8 बार जाते हैं ठीक है, तो 8 * 2 = 16 और 8 * 7 = 56 और 56 * 57 4 आया, 8 * 4 = 1 अब पॉइंट लगा तो जितने चाहे उतना इसमें मैच करिए, अगर मिल जाए तो 2 2 दशमलव 2 के स्थान तक है ना, तो मिल गया ये वाला करेक्ट आंसर ठीक है, आगे समझ में ना ठीक है। अगला करते हैं, अब इस क्वेश्चन में ऊपर भी नीचे भी है, तो ऊपर के वैल्यू पहले सॉल्व करते हैं, 4 * 1 = 4 = 5/4 ठीक है, और ये 2 * 1 = 2 = 3/2 भाग को किया इंटू, और चलो भाग कर देते हैं तो कितना 2 * 1 = 2 = 3/2 हुआ ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर दें तो पहले 5/4 * 2/3 2/3 ये कट गया, तो आंसर कितना है इसका, 5 2 * 3 = 6 पहला आ गया समझ में ना, 5/6 आ गया। अब ऐसे इसको सॉल्व करते हैं तो 10 * 1 = 10 और 10 * 10 = 19/10 हो जाएगा, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं 19 पहले हुआ 1/15 + 19/10 अब मिश्र भिन्न में इसको हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5/6 लिखे रहने दीजिए, 10 * 1 = 10 15 * 19 तो कितना हो जाएगा, 10 + 15 * 19 करिए तो 19 * 95 = 19 और 9 * 18 = 28 ठीक है, तो 285 हो गया बटे
कितना हुआ 150, आया समझ में? ठीक है, इसको जोड़े तो कितना हुआ 285 और 10 295 बटे कितना 5 से काट दीजिए, दोनों को काटिए तो 5 × 5 = 25, 4 × 5 = 45, 5 × 3 = 15, 39/30 हुआ। तो अब दोनों को हम बटे में रख देंगे, एक नंबर ये आया था 5/6 आया था ना, 5/6, इसके डिवाइड में क्या आ गया 59/5 × 25 है ना, 5/25 59/30 आया। ठीक है, अब इसको हम क्या किए, बटे का हो गया इनटू 30/ क्या हो जाएगा 59, 6 × 5 = 30 और 5/25 और 25/ क्या हो जाएगा 59, इसका करेक्ट आंसर। आगे समझे, अगला क्वेश्चन, इसको देखिए सरल सा है, इसको हम नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करेंगे। तो देखना, तो 3 × 3 = 6 और 6 × 1 = 7, 7/ क्या हुआ 3 हुआ। फिर इसको संख्या को पलट देंगे, तो 1+ ये 3, ये 1 × कितना हो जाएगा 3/7, ये तुरंत संख्या पलट जाएगी ऊपर। ठीक है, ये हो जाएगा 1+3/7, 3/7 यहाँ पहुँच गए हम लोग अभी, 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 10, 10/7, फिर संख्या ये 1 आ गया ना, फिर संख्या डिवाइड लगा है, डिवाइड लगा फिर से पलटेगी, तो 1 × 7/10, तो 7/ कितना हो जाएगा 10, इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर समझ में, ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, 5/24 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/48 हो जाए। ठीक है ना, तो जब घटाना हो तो जो नंबर दिया हमें उसमें ऐड कर दीजिए, तुरंत ही ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसा क्वेश्चन उसी के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, क्या सही हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो 5/24 लिखा, तो 5/24 लिखे, बोला क्या घटाएं, तो x घटा दीजिए, आया समझ में? तो कितना हो जाएगा 7/48, इतना समझ में आया। अब x को उधर ले जाइए, जब x को उधर ले जाएंगे तो 5/24 और 7/48 इधर आ गया माइनस में, और x माइनस में था तो प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितनी आएगी 48, क्योंकि 24 से 48 कट जाएगा। ठीक है, तो 24 में 48 भाग के तो कितना आएगा 5 × 2, 48 में 48 का भाग तो 1, तो 1 × कितना हो जाएगा 7 = x, तो 5 × 2 = 10 − 7/48, आया समझ में? तो 10 में 7 गया तो 3 × 3/48, और 48 को जब हम भाग करेंगे तो 16 × 3 = 48, 1/16 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 1/16। आगे समझ में, पूरा समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अब इसको करना है इंटू करना है, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोल रहा है, इंटू करके बताइए। तो क्या करते हैं हम, पहले तो नंबर लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, एक मिनट, इसमें 0.70 और 0.140, 0.0, 0.014, 140। ठीक है ना, अब इसमें करिए सिर्फ 14 × 7 करिए, 14 × 7 कितना होता है 14 × 7 = 98। ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद दशमलव गिनिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और ये इसके 2, 6 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 2 ये हुआ, 3, 4, 5, 6, 6 अंक बाद दशमलव। ठीक है, इतना आना चाहिए 6 अंक बाद दशमलव। ऊपर से एक चीज और देखना है, देखो इसमें भी 0 लगा था, इसमें भी 0 लगा था ना, 14 × 7 = 98 किए थे ना, लेकिन इनमें दोनों में 0 था, तो 0 हमको यहाँ पे लगाना चाहिए था। तो देखना एक बार फिर से देखो, इंटू किया 14 × 7 = 98 हुआ, आज समझ में 98 हुआ, इसके बाद दोनों के 0 लिख दिए लास्ट में। ठीक है, अब हमको 4 ये 2 ये 6 अंक बाद दशमलव, तो 4 ही हो गया, 5 और ये 6, इतना हुआ 6 अंक बाद दशमलव, तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला, दशमलव हुआ 4 अंक। आगे समझ में, 11 25 पैसे का कौन सा भाग होगा, तो पहले क्या करते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते बताओ, 100। ठीक है, 1 रुपए = 100 पैसे। ठीक है, तो कितने रुपए है, 6 रुपए है ना, 6 × 100। ठीक है, कितने हो जाएगा 600। अब 600 में क्या करना, 600 में 25 पैसे का भाग कर देना है, तो 25। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 25/6 × 100 कर देते हैं। ठीक है, तो 25 × 1 = 25, 25 × 100 अचार संग 24, 1/ कितना हो गया 24, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है देखो अगले पे क्या लिखा है, 13 से 31 का 2/11, तो का मतलब होता है गुणा, और 11 से इसको हम जब काटेंगे तो कितना आएगा 121 आएगा। ठीक है, क्योंकि 11 का क्यूब होता है, अब इसका 2 का गुणा, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, यानी 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, 242। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5.41 का सरलतम रूप क्या होगा।
तो इसके लिए क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। सॉरी सर, फास्ट। 5.41 लिखना है, इसके बाद इसको 5.41 अपॉन एक लिखना है, दशमलव दो अंक बाद है, एक दो तो दो जीरो लगा देना है, ठीक है। बस यहाँ पे है कहीं ये पहला क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो दो तरीके हैं इसके, एक तो इनके एलसीएम लेकर के हर बराबर कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि इनको आपस में भाग कर दें, ठीक है। तो चलो इनका एलसीएम लेके ही इनको इनके हर ही बराबर कर देते हैं, 8, 16 और 40 का एलसीएम ले लो, 40 और 80 का, तो 8 से तो संभवतः कट रहे हैं ना सबको ही, ठीक है। 8 दाम 8 एक कम 8 दूनी 8 पंचे 40 8 दाम 80, फिर 2 से काट देते, 2 एक कम 2 एक कम 5 और ये फिर 5, तो 5 दूनी 10 8 80 आया, ठीक है। तो जब 80 आया है तो कितने हैं देख लो, 1 2 3 4, तो मैं 4 को साथ में कर लेता हूँ, ठीक है, चारों को साथ में कर लिया देखना। तो 80, ये भी 80, ये भी 80 हो गया, और ये भी 80, 4 का। अब क्या करेंगे, हर का भाग करेंगे, तो 8 से जब हम 80 को डिवाइड किया तो 10 आया, 10 का गुना 7 में तो 10 7 70 हो गया, फिर से 16 का जब इंटू किया 80 में तो 16 5 80, और 13 से गुना तो 13 5 65 हो गया, फिर से 80 को जब 40 से डिवाइड किया 2 आया तो 2 1 कम 2 2 3 6, ऐसे इससे 80 का भाग करेंगे तो 63। अब जब ये बन गया तो हर जब समान हो जाते हैं तो भिन्न को पकड़ना आसान हो जाता है। तो बोला क्या गया है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो जो सबसे बड़ा अंक होगा तो कौन सा है, ये वाला, ठीक है, 70/80 नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, अब इसको करना है, तो बोला है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो सिमिलरली वही काम हम इसमें भी करने वाले, हारो का एलसीएम करेंगे, 13 26 39 52 का एलसीएम, 13 26 39 52, 13 संभवतः सभी कटेंगे, 13 एक कम 13 13 दूनी 26 13 3 40 13 6 52, 2 से काटो, 2 एक कम 2 एक कम 3 दूनी, ठीक है, फिर से 2 कट जाएगा, 2 3 6 दूनी 12 और 13 12 1 32, 2 3 6 हुआ, 6 गुणे 2 गुणे 13, 13 दूनी 26 26 6 6 36 6 दूनी 12 13, 136 आया। तो हम सभी के नीचे जो रखेंगे ना 136 रखेंगे और भाग करेंगे, हम 136 रख करके भाग कर देंगे यहाँ पे, चलो करते हैं ना, तो नंबर ले लेते हैं, पहला है 9/13 यहाँ लिख दिया, दूसरा कितना 17/26 और तीसरा है 28/39 और चौथा हो गया 33/52, सभी के नीचे कितना रखना है, 3 दूनी 6 दूनी 12 136 12 13 13 दूनी 26 13 6 3 दूनी 6 दूनी 12 नहीं है 3 दूनी 6 3 2 5 156 आएगा, ठीक है। अब करते हैं इसका इंटू, तो 13 गुणा करेंगे इसमें भाग करेंगे तो 12 आएगा, 12 9 108, 26 का भाग करेंगे तो 26 का भाग हम कर देते 156 में, 156 भागे 26, 13 दूनी और ये 12 आया, 2 से कटा तो कितना 6 आया ना, 17 6 102 156, फिर से करेंगे 39 का तो फिर से 156 कितना करना है इस बार, 26 नहीं 39, ठीक है। तो 13 3 39, 13 से काटेंगे तो 12 आएगा, 3 6 12 4 आया, 4 का तो 4 के गुणा 25 6 100/39, फिर से 52 का करेंगे वही 156 में हम भाग करेंगे 52 का, तो जब 52 का करेंगे तो 13 6 52 और ये 12 हुआ, 4 से भाग हुआ तो 3 आया, ठीक है। तो 33 3 99 हुआ बटे 52। अब इसने बोला है सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, यही वाली है क्या, लास्ट वाली, तो लास्ट वाली कौन, 33/52 ये करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरोही क्रम में लिखना है, तो हमारी प्रोसीजर क्या रहेगी, आरोही क्रम में जब लिखना है ना, तो जब हर एक जैसे दिखे, दिख रहे हैं एक जैसे, सभी हर एक जैसे दिख रहे हैं, तो आपको आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटे सबसे पहले आएगा, तो देख लो 7 फिर 8 और फिर 9, ये करेक्ट आंसर, इससे बड़ा 8 और 8 से बड़ा 9, ये तब की कंडीशन जब हर एक समान हो, लेकिन जब हर असमान हो तो क्या करना है, हरों का एलसीएम करना है जो पहले किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, पी क्यू और आर की वैल्यू को हो तो आपको बताना है क्या होगा, लेस देन ग्रेटर देन, तो हम पहले सभी के एलसीएम लेंगे,
पी की वैल्यू दी है आपको 3/5, क्यू की वैल्यू दी है 7/9 और दिया है 5, आर की वैल्यू 5/7। सभी के हरों का एलसीएम लेना है, तो 5, 9 और 7 का एलसीएम ले लो। 5 1 जा, फिर 9 का 1 1 जा और फिर 7 का, ठीक है। अब इनका इंटू करिए, 5 9 45 और 45 7 315, ठीक है। बहुत तेज कैलकुलेशन है, आप भी लोग कर लें। 315 आया। अब क्या करेंगे, इस 5 से इसको डिवाइड करिए तो डायरेक्ट आएगा 63 और इंटू ऊपर वाली संख्या से इंटू करना है, फिर से 315 लिखेंगे सभी के। फिर 9 से इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 35 इंटू 7, फिर से 315 लिखिए। फिर जब 7 का भाग करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 9 5 45 और इंटू 5। अब इंटू करिए तो 3 3 9 और 3 6 18, फिर से भाग 7 5 35, 7 3 21 21 3 24, फिर इसमें 5 9 45, 5 6 20 2 22, क्योंकि हर समान है तो इसको हम लिखने की कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। अब इसमें देखना है, ये पी की वैल्यू है, ये क्यू की है और ये आर की। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, 245, और ये हो गई 245 सबसे बड़ी है ना, हाँ। तो हम अगर बढ़ते क्रम में लिखेंगे, घटते क्रम में, तो क्यू को सबसे पहले लिखेंगे, फिर इससे छोटा लिखेंगे 225 तो आर हो जाएगा, फिर इससे छोटा लिखेंगे 189 यानी पी हो जाएगा। लेकिन इसी का जब हम घटते क्रम लिखेंगे तो घटते क्रम क्या हो जाएगा, पी फिर लेस देन आर लेस देन क्यू। अब ये दो चीज़ें देख लो, इसमें कहीं मिल रही हो तो पी मिला, फिर पी के बाद ग्रेटर देन में तो है यानी सब लेस देन में है, तो लेस देन ये पी आर क्यू, पी आर क्यू कौन सा है, कौन सा, ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी सब रॉन्ग है, ठीक है, बाकी सब रॉन्ग है। इसका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सभी ऑप्शन इसके रॉन्ग ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसमें देखिए लिखा क्या है, दशमलव रूप में इसको कन्वर्ट करना है, तो सिंपल से हम कर लेंगे, 20 लिखे प्लस 1/10 का मतलब है 10 में कितने जीरो हैं, 1 0, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे हम, 1 लिख के 1 अंक बाद दशमलव लग गया, प्लस यहाँ दशमलव में बदलना ही है तो हम 1000 मतलब 10 का भाग कर दिए 1000 का भाग करेंगे, तो 3 लिखे, 3 में के नीचे कितने जीरो हैं, 1 और 2, तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 1 अकेला है तो हम इसके बगल में 1 0 रख दिए तो 2 अंक हुआ, इसके बाद दशमलव। अब इनको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए 20 रुपये और कुछ नहीं है तो 0 0 पैसे, फिर दशमलव उठाइए और इधर 0 लिखिए, इधर 1 लिखिए, फिर यहाँ दशमलव उठाइए, इधर 0 लिखिए, 3 लिखिए, इधर 0 0 लिख दीजिए, ठीक है। आप जोड़ दीजिए तो 3 1 0 2 2.13, तो ये देखिए करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार इसके सभी क्वेश्चन हुए कम्प्लीट।